प्रशासन द्वारा संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। राजेश सिंह के दशहरा मैदान में चार विधानसभा क्षेत्र से आने वाले मतदान दल की व्यापक व्यवस्था की गई। एक बड़े से मैदान में जहां चारों तरफ टेंट लगाकर सामग्री एकत्रित की गई और पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां पर यह सामग्री जमा होगी। आवाज न्यूज की टीम वहां पर पहुंची और वहां जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से चर्चा की। दशहरा मैदान में आप यहां देख रहे होंगे कि मतदान की पूरी तैयारी कर रखी है जिला प्रशासन ने। सांची विधानसभा क्षेत्र, सिलवानी विधानसभा क्षेत्र, भोजपुर विधानसभा क्षेत्र और उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र की सारी ईवीएम मशीनें यहाँ आएंगी। पीछे पॉलिटेक्निक कॉलेज में पता चला है कि वहां पे स्ट्रांग रूम बनाया गया है और वहां पे सारी मशीनें जमा हो जाएंगी। मैं आवाज न्यूज से राकेश जैन रायसेन। थोड़ा सा बताएंगे व्यवस्थाओं के बारे में। अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पर मतदान के उपरांत जो हमारे मतदान दल हैं वो अपनी मतपेटियाँ और जो सारी सामग्री हैं ईवीएम इत्यादि वो यहाँ जमा करेंगे। उसकी सारी तैयारियाँ चल रही हैं और व्यवस्थाएँ इस तरह से की गई हैं कि अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं हर विधानसभा क्षेत्र के लिए और एक काउंटर में औसतन 30 से 35 मतदान केंद्रों का सामान जमा हुआ। पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जैसे कि आयोग के निर्देश हैं कि जो ईवीएम्स हैं उनको त्रिस्तरीय जो सिक्योरिटी की जो लेयर है उसमें रखा जाए, वो पूरी तैयारियां हैं और यह कोशिश की जा रही है कि हमारे मतदान दल जो लगभग दो दिन फील्ड में रहने के बाद मतदान करा के लौटेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र उनके लिए जो उनकी सामग्री है यहाँ जमा हो जाए और फिर वो जल्दी से जल्दी यहाँ से जा सकें। सर यदि कोई हिंसक वगैरह घटनाएं होती हैं तो उसके लिए कोई आपने व्यवस्था करी है अलग से प्रशासन ने? पूरी तैयारियां हैं, फील्ड में सारे पुलिस अधिकारी हैं और कल भी रहेंगे, हमारे मजिस्ट्रेट भी फील्ड में रहेंगे और इसके अलावा जो हमारी SST और FST की टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं और यदि कहीं से कोई भी ऐसी सूचना मिलेगी तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। हमारे दर्शक देख रहे हैं कि हमारे सामने हैं पुलिस अधीक्षक विकास सिपाल जी, हम इनसे बात करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। सर सुरक्षा जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं और उस आधार पे हमें हर जगह पुलिस स्टेशन में क्या बल लगना है, कॉन्टिंजेंटों पे क्या बल लगना है, वो सारे निर्देश ऑलरेडी दिए गए हैं और हमें तकरीबन 11 कंपनी का फोर्स मतलब 1100 आर्म फोर्स मिला है सेंट्रल पैरामिलिट्री का और करीब 1000 के आसपास होमगार्ड और हमारे लोकल 1000 पुलिस और SPO जो कलेक्टर साहब के आदेश से बनते हैं वो भी 2000 करेंगे। तकरीबन 5 से 7 हज़ार लोग सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात हैं पुलिस जो इलेक्शन की प्रक्रिया को निर्बाध रूप से शांति रूप से आप इस जगह काउंटिंग सेंटर पे भी खड़े हैं, इसका भी कोई प्रभारी हमारे एडिशनल SP साहब भी रहेंगे जबकि पोलिंग पार्टी वगैरह आएंगे और इसके बाद जगह जगह पर जो भी मानक के आधार पर क्रिटिकलिटी के आधार पर हर जगह जहाँ पर CAPF की जरूरत है CAPF की, डिस्ट्रिक्ट फोर्स की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट फोर्स की, होमगार्ड की, SPO की, सबकी व्यवस्था की गई है। हमने मतदान को लेकर जिला कलेक्टर अरविंद बेई से बात की, इसके बाद हमने जिला पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल से बात की। यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारी, यहाँ पे पूरे मतदान दल की पेटियाँ आएंगी, इसके बाद अंदर स्ट्रांग रूम में वह जमा हो जाएंगी। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अब जिला प्रशासन की यह कोशिश है कि अधिक से अधिक मतदान हो। हमारा चैनल भी सबसे ये निवेदन करता है कि लोग अधिक से अधिक मतदान करें और प्रजातंत्र को मजबूत करें। मैं राकेश जैन रायसेन।